चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आंदोलन चलाने की रणनीति बना रही है और इस आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 15 जनवरी को प्रदेश भर में दोपहर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम होगा। 16 जनवरी को छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन होगा। 20 जनवरी को मुरैना में किसान सम्मेलन होगा। वहीं 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव किया जाएगा। तो किसानों के समर्थन में ये कांग्रेस की रणनीति है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस कृषि बिल का विरोध कांग्रेस करेगी, किसानों को समर्थन देगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा अंकुर जी का रुख करते हैं। अंकुर जी, इस कृषि बिल का विरोध तो लगातार कांग्रेस की तरफ से किया ही जा रहा था, लेकिन अब खुलकर कांग्रेस सामने आ रही है और मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे हिस्से जहां पर इस कृषि बिल का विरोध और किसानों को समर्थन देने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, यहाँ कल अखबार हाथ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये पूरी जानकारी दी कि किस तरह से तीनों कृषि बिलों का कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जाएगा, किसानों का जो आंदोलन है उनको समर्थन दिया जाएगा। इसी को लेकर अब किसान सम्मेलन कांग्रेस आयोजित करने जा रही है, उनको बताएगी कि इन बिलों में क्या क्या खामियां हैं। इसको ये चरणबद्ध पूरी तरीके से ये आंदोलन किया जाएगा। इसमें 15 तारीख को 2 घंटे का चक्का जाम रखा गया है, 16 तारीख को कमलनाथ छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन को सम्मिलित करेंगे और 20 तारीख को मुरैना में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और 23 तारीख को राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब ये चक्का जाम शुरू होगा 15 तारीख को, तो सबसे चक्का जाम शुरू होने के पहले गाड़ियों के हॉर्न बजाकर किसान लोग और घंटियां बजाकर इसकी शुरुआत करेंगे और जब ये समाप्त करेंगे चक्का जाम तो तब भी घंटी बजाएंगे, हॉर्न बजाएंगे। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयारी कर ली है और पूरी तरह से अब रोड पे आ गई है। इसी मामले में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना है कि 15 महीने की सरकार में सिर्फ किसानों के साथ कांग्रेस ने बाधा खिलाफी की है, अब किसानों का साथ देने की बात कर रहे हैं। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही कहा था कि कमलनाथ भले ही किसान आंदोलन की बात कर रहे हो लेकिन किसानों के साथ उन्होंने छलावा किया है, कर्ज माफी का मामला हो चाहे अन्य मामला हो। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां किसान आंदोलन की तैयारी कांग्रेस कर रही है तो वही बीजेपी लगातार इन पर कटाक्ष कर रही है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है अंकुर जी के जो विरोध के स्वर अभी तक मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में जो पनप रहे थे वो अब कांग्रेस की शुरू के बाद मध्य प्रदेश में भी पनपते हुए हमें नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अलग अलग तारीखों में कांग्रेस ने अलग अलग रणनीति इस कृषि बिल के विरोध में और किसानों के समर्थन में तैयार की है। बहुत शुक्रिया आपका अंकुर जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।